हेलो स्टूडेंट्स, उन बच्चों मैंने प्रोनाउन पढ़ा दिया है और मैंने एक्सरसाइज दिया था बनाने के लिए, तो वो एक्सरसाइज आपने बनाया होगा और मैं आज उसके आंसर्स आपके सामने एनालाइज कर दूंगा। तो आप इसको देख लीजिए और ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है? तो मैं शुरू करता हूँ। बच्चों देखिए, ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, हमें करना क्या है, इसमें प्रोनाउंस को घेर देना है, ठीक है? तो सिर्फ प्रोनाउंस को मैं घेर दूंगा, ठीक है? यहाँ देखिए, आई जो है इसमें प्रोनाउन है। सेकंड क्वेश्चन में वी प्रोनाउन है। थर्ड क्वेश्चन में यू प्रोनाउन है। इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन में ही प्रोनाउन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5 में शी प्रोनाउन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6 में दे प्रोनाउन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में आई प्रोनाउन है और यू भी प्रोनाउन है, ठीक है? इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 में यू और मी दोनों प्रोनाउन है। इनको आप याद कर लीजिए कौन कौन सा प्रोनाउन है, ठीक है? यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में इट और माइन दोनों प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 10 में मी प्रोनाउन है, ठीक है? तो इस तरीके से ये प्रोनाउंस आप समझ गए होंगे कि कहाँ क्या प्रोनाउन है। ज़्यादा क्लियर समझने के लिए आप जो प्रोनाउन का वीडियो है उसको देख लें, और आगे के एक्सरसाइजेज में जहाँ ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत होगी मैं वहाँ एनालाइज करके बताऊँगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आई और यू प्रोनाउन है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 12 में आई और देम प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 13 में हिम प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 14 में यू प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 15 में हिम प्रोनाउन है। तो 16 में दिस और आवर्स दोनों प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 17 में दैट और योर्स दोनों प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 18 में इट और स्ट्रॉन्ग दोनों सॉरी 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 इट प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 19 में अस प्रोनाउन है। क्वेश्चन नंबर 20 में मी प्रोनाउन है। तो मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे, ये बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था, यहाँ कुछ था ही नहीं। आगे क्वेश्चन नंबर सॉरी एक्सरसाइज नंबर 13 हम देखते हैं। यहाँ क्या करना है कि वर्ड्स के बदले में, नाउन्स के बदले में प्रोनाउन यूज करना है। तो बच्चों देखिए, जो राम है ये एक मैन का नाम है या लड़के का नाम है, ठीक है? तो यहाँ इसके लिए ही का यूज हम करेंगे, ठीक है? सीता के लिए हम शी का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक स्त्रीलिंग है, ठीक है? तो स्त्रीलिंग के लिए शी का यूज होता है। बात करें राम एंड सीता, तो दो लोग हैं। जब दो लोग हो जाए, यानी एक से अधिक लोग जब हो, तब हम क्या यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं, ठीक है? राम एंड सीता के लिए हम दे का यूज करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे भी होगी, मोहन एंड सोहन के लिए हम दे का यूज करेंगे, ठीक है? काऊ एक जानवर है और इसलिए इसके लिए हम इट का यूज करेंगे, क्योंकि ये जानवर है, ठीक है? वहीं अगर काउच की बात हम करें, तो काउ से एक से अधिक हो जा रही है काउच, तो यहाँ हम दे का यूज कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा ऑक्स की बात हम करें, तो ऑक्स के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? इट। लेकिन ऑक्सन जो है ये प्लूरल है, और जब प्लूरल हो जाता है तो हम दे का यूज करते हैं, ठीक है? मैं आपको यहाँ समझा दूँ, देखिए ऊपर आप देख सकते हैं। अगर ना समझ में आया, अगर बनाया होगा आपने तो ये पढ़ा जरूर होगा, ठीक है? तो वही सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे भी लग रहे हैं, ठीक है? गर्ल लड़की है और इसलिए शी का यूज होगा, लेकिन गर्ल्स जो है ये प्लूरल हो जाता है और इसलिए यहाँ दे का यूज होगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन है जो वो कह रहा है कि बुक के साथ क्या यूज होगा, तो बुक के साथ इट यूज होगा।
लेकिन बुक्स जो है इसके साथ हम दे का यूज करेंगे, क्यों? क्योंकि ये बुक्स है, ठीक है, प्लूरल हो जा रहा है। एक के साथ इट का यूज हम करेंगे, लेकिन एक्स के साथ हम दे का यूज करेंगे, ठीक है। फादर पुरुष हैं इसलिए ही का यूज करेंगे, मदर स्त्रीलिंग है इसलिए शी का यूज हम करेंगे, ब्रदर यानी भाई पुल्लिंग पुरुष है तो ही का यूज करेंगे, सिस्टर स्त्रीलिंग है इसलिए शी का यूज हम करेंगे, वहीं सिस्टर्स के साथ हम दे का यूज करेंगे, ठीक है ना। सिस्टर्स के साथ हम दे का यूज करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, ऊपर ध्यान दे सकते हैं कि जब प्लूरल कुछ हो तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, दे का यूज करते हैं, ठीक है ना। वापस हम आते हैं, ब्रदर्स के साथ क्या यूज होगा बच्चों, आप बताइए खुद से। अभी क्वेश्चन नंबर 19, सिस्टर के साथ जो यूज होता हुआ था, सिस्टर्स के साथ दे का यूज हुआ था, तो ब्रदर्स के साथ भी दे का यूज होगा। ट्री के साथ, सॉरी, बॉक्स के साथ हम इट का यूज करेंगे, लेकिन बॉक्सेस के साथ हम दे का यूज करेंगे। ट्री के साथ हम इट का यूज करेंगे, ट्री ट्रीज के साथ हम दे का यूज करेंगे, ठीक है। पेन के साथ हम इट का यूज करेंगे, लेकिन पेंस के साथ हम दे का यूज करेंगे, ठीक है। वहीं वाटर के साथ हम इट का यूज करेंगे, राइस के साथ भी हम इट का यूज करेंगे, लव के साथ भी हम इट का यूज करेंगे, और एंड के साथ भी हम इट का यूज करेंगे, ठीक है। छोटे जानवरों के लिए इट का यूज होता ही है जनरली, तो इस तरीके से ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज भी हम लोगों का क्लियर हो गया। आइए एक्सरसाइज 14 बता देता हूँ मैं। यहाँ क्या करना है कि फील करना है कि राम के बदले यहाँ क्या होगा, तो राम के बदले अभी ऊपर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जो पुलिंग होता है उसके साथ ही का यूज होता है। यहाँ देखिए नीचे एग्जाम्पल भी है, तो ये तो एग्जाम्पल्स दिए ही हुए हैं, मैं सीधे एक्सरसाइज में आता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है कि गोपाल इज माई ब्रदर, तो गोपाल के जगह पे क्या हो सकता है यहाँ, ही, ठीक है। गोपाल के लिए गोपाल इज माई ब्रदर, ही इज जेंटल, ठीक है। सीता इज देयर, शी इज माई फ्रेंड, क्योंकि सीता लड़की है और लड़की के लिए हम शी का यूज करते हैं। माई फादर इज गुड, माई फादर पुलिंग है फादर, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, ही, ठीक है। मदर जो है ये फीमेल है इसलिए यहाँ शी का यूज करेंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, गोपाल एंड सोहन दो लोग हैं ना, यानी एक से अधिक आदमी है, तो जब एक एक से अधिक आदमी होते हैं तो प्लूरल क्या यूज होता है, दे का यूज हम करते हैं, ठीक है। दिस इज माई स्कूल, ठीक है, तो यहाँ माई स्कूल निर्जीव है इसलिए यहाँ पे इट का हम यूज करेंगे। दिस इज एन आंट, चीटी छोटा जानवर है तो इट का ही यूज होगा। उसी तरीके से चेयर जो है ये एक निर्जीव है इसलिए यहाँ इट का यूज हम करेंगे, ठीक है। आई हैव अ चेयर, इट इज मेड ऑफ वुड। वापस से राम के लिए क्या यूज करेंगे, ही यूज करेंगे, क्योंकि राम क्या है, पुलिंग है, ठीक है। अगला कह रहा है योर फ्रेंड्स आर देयर, देखिए फ्रेंड्स हो गया प्लूरल, प्लूरल माने एक से अधिक दोस्तों की बात हो रही है, तो यहाँ क्या करेंगे यूज, दे का यूज करेंगे। जब एक से अधिक लोगों की बात हो तब दे का यूज हम करते हैं। वहीं यहाँ की बात करें तो यहाँ माई फ्रेंड है, यानी एक फ्रेंड की बात हो रही है, तो अब माई फ्रेंड इज हियर, अब यहाँ ही हो सकता है और शी भी हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ फ्रेंड क्लियर नहीं कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है, तो यहाँ ही और शी दोनों का यूज हम कर सकते हैं। अगला है दीज आर काउच, ठीक है, ये गायें हैं और गायें क्या है, तो ये दे आर ब्लैक, ये काली हैं, क्यों, काउज है इसलिए यहाँ पे दे, एक से अधिक गायों की बात है इसलिए यहाँ पे दे का यूज हम करेंगे। अगला है आई हैव अ पेन, और पेन जो है ये निर्जीव है इसलिए यहाँ पे इट का यूज हम करेंगे। हिज बुक, बुक की बात हो रही है, ठीक है ना, तो यहाँ पे हम इट का यूज करेंगे क्योंकि बुक क्या है, निर्जीव है। अगला है गोपाल है जब बॉल, ठीक है, और यहाँ पे इज रेड लिख रहा है,
तो गोपाल तो रेड होगा नहीं, बॉल ही रेड ना होगा, और जब बॉल की बात होगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इट हो जाएगा। ठीक है, तो बॉल के लिए हमने क्या यूज कर दिया, इट। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आए होंगे, एक्सरसाइज 12, 13 एंड 14 मैंने बता दिया है, आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिएगा और इसको ज़रूर मिला लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो जो होगा उसमें मैं एडजेक्टिव पढ़ाऊँगा। ठीक है, थैंक यू।